यमुना एक्सप्रेस वे पर आए दिन हो रहे हादसों के बाद भी यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी और पुलिस वाहनों की रफ्तारों को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं हादसे के बाद मथुरा पुलिस के संवेदनहीनता की बात सामने आई, जहां घायलों को उपचार कराने के लिए मथुरा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। इस हादसे में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विदेशी महिला ने उपचार न मिलने पर दम तोड़ दिया। ये महिला यूक्रेन की रहने वाली वो डोना और ड्राइवर दिल्ली निवासी वैभव है। इस हादसे में वैभव की भी मौत हो गई, जबकि दूसरी विदेशी महिला सिर्फ घायल हुई। हम आपको बताते चले कि इस दुर्घटना के दौरान आगरा जिला के पत्रकार अपने निजी वाहन से नोएडा जा रहे थे। इस घटना को देखकर उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाया और पुलिस को घटना की जानकारी देने के लिए फोन लगाते रहे, किंतु संवेदनहीन पुलिस वालों ने फोन भी नहीं उठाए। मथुरा शहर के हर चौराहे और अस्पतालों की जानकारी पुलिस बलों से करते रहे ताकि घायल विदेशी पर्यटकों को इलाज मिल जाए, लेकिन किसी ने पता तक नहीं बताया और न ही कोई मदद की। इस घटना की जानकारी मिलने पर एसपी देहात आदित्य शुक्ला जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए एक्सीडेंट में एक विदेशी महिला समेत दो लोगों की मौत के बारे में बताया। जब उनसे मथुरा पुलिस की संवेदनहीनता और लापरवाही के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, यदि कहीं कोई लापरवाही की बात सामने आई तो निश्चित रूप से जाँच की जाएगी। नोएडा से की तरफ जाने नोएडा की तरफ जा रहे थे लोग, इसमें एक गाड़ी जो है हरियाणा नंबर की है, तो बताया जा रहा है कानपुर से दिल्ली जा रहे थे, इसमें चार लोग सवार थे, तो एक की तो मौके पर ही मृत्यु हुई है और वैभव करके हैं जो नई दिल्ली के रहने वाले हैं, मौके पर एक्सपायर कर गए। बाकी तीन लोग घायल हुए थे जिनको लाके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया और यहाँ पर एक दाना नाम की जो लड़की है वो भी यहाँ एक्सपायर हुई, और मारिया जी और अंकित ये दो चुटहिल हैं जिनका यहाँ प्रॉपर ढंग से इलाज डॉक्टर साहब लोग कर रहे हैं। ये दोनों नागरिक यूक्रेन के रहने वाले हैं, जो दो लेडीज हैं वो यूक्रेन की रहने वाली हैं और इसमें से एक एक्सपायर कर चुकी है, दूसरी की हालत ठीक है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कोई खतरे से बाहर है, फिलहाल इलाज जारी है और इस पर मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही रही है, पुलिस ने फोन नहीं उठाया। मुझे जो ऐसा हुआ मुझे भी ये मामला संज्ञान में आया है, यदि ऐसी कोई बात आती है तो कार्रवाई कठोर की जाएगी और हमारे पत्रकार बंधुओं का अच्छा सहयोग रहा कि ये उसके जस्ट गाड़ी के पीछे ही थे तो ये लाके इसको एडमिट कराएं, इनके लिए इसके लिए बार बार धन्यवाद। और पुलिस भी हमारी बाद में मौके पहुंची, लेकिन तत्काल आप लोगों ने जो राहत दी इसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी उसके पीछे थी और हमारी पुलिस को ये निश्चित लगा होगा कि तब तक जब ये ले आए हैं तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चौधरी लक्ष्मी नारायण के हस्तक्षेप के बाद वहाँ पुलिस ने एक्टिव हुई, उसके बाद नहीं, हमें तो आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली, तत्काल मैंने फोर्स भेजा है और इस मामले गंभीरता से लिया जाएगा, यदि कोई लापरवाही आएगी तो कठोर कार्रवाई करेगी। यमुना एक्सप्रेस वे की जो पेट्रोलिंग है उसकी भी लापरवाही देखने को मिली है, यमुना एक्सप्रेस वे किसी की भी लापरवाही आएगी तो उसके खिलाफ लिखा जाएगा। उन्होंने घायलों को उठाने से तक मना कर दिया, अब इस प्रकार का मामला संज्ञान में देता है तो जांच कराई जाएगी और बिल्कुल इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब तक तमाम एक्सीडेंट यमुना एक्सप्रेस हुए हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं कि इस तरह के हादसे कम हों? अब एक तो वहाँ पर रोड सेफ्टी के लिए ये जो वहाँ के अधिकारी बता रहे हैं कि हम भी कहते हैं थोड़ा स्पीड धीमी में चलें, अधिकतर जो एक्सीडेंट हुए हैं काफ़ी गंभीर स्पीड में हुए हैं या तेज स्पीड के कारण हुए हैं, और इसके अलावा हम लोग पेट्रोलिंग बढ़ाए हैं, हमारी चौकी जो स्थापित है उसकी चार मोबाइलें हैं, कुछ चीता कोबरा मोबाइल भी लगाई गई हैं। फिलहाल ये ज़्यादातर एक्सीडेंट जो आपस में गाड़ियाँ भिड़ने के कारण या कोहरे के कारण या तेज़ रफ्तार में हो रही हैं, इसको इनको भी जागरूक किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा हर घटना के बाद लापरवाही सामने आती है, लेकिन जांच की बात क्या की मामले को? देखिए एक्सीडेंट तो एक चूक है, लेकिन यदि जानबूझ के तो कोई नहीं करता है, लेकिन एक चूक अवश्य कही जाएगी, थोड़ी सावधानी बरतें तो कुछ दुर्घटनाएं कम होती। क्या मानते हैं पुलिस का फोन न उठना कहीं ना कहीं लापरवाही? नहीं, फोन न उठना अब ये तो बिल्कुल लापरवाही होगी, ये फोन नहीं उठ रहा है। फोन नहीं उठ रहा है तो लापरवाही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ऐसा पुलिस अधिकारी कहीं ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पर